हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द इनोवेटिव एक्सप्लोरर। जैसा कि आप देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पल्टन बाज़ार वाले ट्रिप के बारे में, और साथ ही साथ एक अलग डिश बनाएंगे और उस डिश का नाम है कोई माछेर झोल। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना, और साइड बाय साइड मैं अपना एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस पल्टन बाज़ार में कैसा था हम बताते हैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं। तो पत्नी जी बताइए, हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाएंगे कोई का तेल, ठीक है? तो पहले तो हम लोग फ्राई कर लेंगे फिश को। मतलब ये डिश का नाम कोई का तेल है? हाँ, बंगाली में हम लोग बोलते हैं कोई माछेर तेल। अच्छा, मैंने कोई माछेर झोल बोल दिया था। अच्छा, कोई माछेर तेल। अच्छा, ठीक है। तो उसमें तेल ज्यादा होता है, मतलब हाँ, तो इसीलिए जैसे अदरक चाहिए, प्याज का पेस्ट, मतलब थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ रहना चाहिए। अच्छा, और कालोंजी। अच्छा, तो वो चाहिए हमें, और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, सिंपल डिश है। अच्छा, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको फ्राई कर लेंगे। हाँ हाँ, अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा उसको। अच्छा, हाँ, तो हम हल्दी और नमक से इसको हम पहले मिक्स कर ले रहे हैं, और उसके बाद हम इसको अभी फ्राई करेंगे। तो जब तक आप ये फ्राई करते हो, तब तक मैं अपने दर्शकों को हमारा जो पल्टन बाज़ार वाला ट्रिप है उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। हम सुबह सुबह निकले थे, वो था अराउंड 8:30 या 9 बजे को हम पहुंच गए थे, और क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे तो बहुत सारे दुकानें खुली हुई भी नहीं थी, राइट? हाँ। तो आप अगर हमारे उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि गुवाहाटी इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जब हम गुवाहाटी के बारे में बात करते हैं तो पल्टन बाज़ार इज़ द मेन प्लेस वेयर एवरी वन कम्स। अगर कोई बाहर से भी आता है तो पहले वो गुवाहाटी में पल्टन बाज़ार में ही आता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन वहाँ पर है। हाँ, एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, बट रेलवे स्टेशन बहुत ही करीब है, और फैंसी बाज़ार भी सामने है। तो पल्टन बाज़ार जो है वो एक ऐसे जगह है जहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे सामान आपको दिखेंगी। तो हम जब पल्टन बाज़ार में थे तो हमने एक राउंड ले लिया था पल्टन बाज़ार का, सीधे जाके हम पूरा एक सर्कल लेके पीछे की तरफ आप वेजिटेबल मार्केट आपको दिखेगी, फिर फिश मार्केट भी था। तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सारा दिख जाएगा। तो हमारा फिश ऑलमोस्ट हमारा फिश अभी फ्राई हो चुका है। काफ़ी टाइम लगा फ्राई होने में, बट इसको अच्छे से हमें फ्राई करना होता है तभी जाके इसका टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप ये साबुत गरम मसाला डाल रहे हो, तो आप बताओगे कि कौन कौन से मसाले आप डाल रहे हो यहाँ पे साबुत मसाले? इसमें हम डाल रहे लौंग, इलायची, दालचीनी, और अभी हम लोग डाल रहे कालोंजी। ये प्याज का पेस्ट है जो आपने बोला था कि पूरा पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा दरदरा। हाँ, हाँ, हाँ। और अभी इसमें अदरक का पेस्ट। अच्छा, दोनों तो को हाँ, हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून तो, लेंगे। हाँ, तो इसमें मैंने देखा है कि आपने इसमें तेल का जो प्रयोग है थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, तो क्योंकि ये फिश का ही एक खुद का एक तरीका है इसको बनाने के लिए, जिसमें इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए आप यूज़ कर रहे थे। अच्छा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोई माछेर तेल, क्योंकि इसमें तेल का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है। और अभी आपने क्या डाला? ये लहसुन। अच्छा, लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा आपने डाला। तो ये डिश बनाने में हमको तो कितने समय लग गए? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा मुझे, आधा घंटा। हाँ, लग गया होगा। और अभी आप डाल रहे हो मसाले हल्दी और जीरा और धनिया का पाउडर, सूखा लाल मिर्ची पाउडर, ठीक है,
इसमें हम एक ही लाल मिर्च का पाउडर यूज करेंगे या दोनों यूज करेंगे? नहीं दोनों। और ये कश्मीरी, क्योंकि कश्मीरी थोड़ा सा, लाल मिर्च, थोड़ा सा हाँ, कलर के लिए। और ये नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, तो हम इसको भून लेंगे अभी। हाँ, थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये जब तक अभी इसको भूनने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसी दौरान मैं थोड़ा सा और आपके साथ हमारे गुवाहाटी वाले चिप के बारे में बता देता हूँ। पल्टन बाज़ार में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी और कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत कम है। एक और चीज़ ये है कि इसी जगह से आपको शिलोंग के लिए, सिलचार के लिए, कहीं भी आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। बस बोलिए, गाड़ी बोलिए, प्राइवेट टैक्सीज बोलिए, यहाँ पे आपको सारे कम्युनिकेशन के साधन आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि पल्टन बाज़ार एक मेन हब है नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में और नॉर्थ ईस्ट का। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप इसको काफ़ी देर तक इसको भून रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं और फिर उसको भून रहे हैं। ये एक जरूरी स्टेप है इसको बनाने के लिए, ये डिश के, ये इस डिश को बनाने का एक अलग तरीका है। अच्छा, तो अभी आप फिर से और थोड़ा सा पानी दे रहे हो। हाँ। और मुझे जितना लगता है ये लगभग भूनना हो गया है। तो अभी हम, अच्छा, फिश हम लोग डाल के इसको तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो इसको फिश इसमें डालने के बाद, अभी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा और इसको भून लेंगे फिश के साथ, राइट। और जो इसमें जो करी होगा, ये इसमें और कोई पानी वानी देने का ज़रूरत है नहीं, इतने में ही हो जाएगा। और वैसे भी ये तीन पीस फिश है इसमें, एक एक टाइम का ही इसमें बनता है। बट दोस्तों, आप सब जब ये बनाओगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि इसमें बहुत तेल इस्तेमाल होता है, तो ये हर बार आप नहीं खा सकते। हम भी इसको मतलब रेगुलरली नहीं खाते, वंस इन अ वाइल कभी कभार खाते हैं। ये फ़िश जो है ये बहुत टेस्टी फ़िश होता है, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो, बना के आप खा सकते हो। हाँ, इसको हम लोग अभी फूलगोभी के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, आप सभी ये ट्राई करना, बनाना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये। और एक चीज़, इसको जब भी आप लोग खाओगे ना, इसको गरम गरम खाना, मतलब इसको पकाने के साथ इसको सर्व करके खा लेना। हाँ। ठंडा नहीं खाना, ठंडा खाने से उसका टेस्ट इतना नहीं आए। कोई भी चीज आप अगर ठंडा खाओगे ना, उसका मजा नहीं आता है। गरम फ्रेश खाओगे, गरम गर्मा गर्म खाओगे तो आपको मजा आएगा। एक और चीज आप बोल रहे थे कि ये बच्चों को खिलाना आसान है, क्योंकि इसमें काटा नहीं होता है। अच्छा, तो बच्चों के लिए भी ये सुरक्षित। और जो बड़े लोग है ना, कोई कोई मछली नहीं खा सकते काटा के वजह से। अच्छा। ये अगर बड़ा होगा ना, इस टाइप का होगा, तभी काटा कम होगा। छोटे में थोड़ा सा काटा हो भी सकता है। अच्छा, तो इसी वजह से ना भी खा पाए, तो ये इस टाइप का लाने से हो जाएगा। बड़े अच्छा, भी मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाओगे तो आप खा पाओगे। हम इस वीडियो के एंड में आ ही चुके हैं, तो हम वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करें।